नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष, स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है टारगेट विथ मनीष। तो दोस्तों, आपके सामने आज मैं बायोलॉजी का एक टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम उठाकर लाया हूँ ताकि आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी प्रश्न कहीं भी पूछे जाए, चाहे तो आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं या और भी कोई भी एग्जाम हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम अगर आपने ये डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे द्वारा जो पढ़ाए जा रहे हैं उसको आपने पढ़ लिया तो आसानी से आप कोई भी प्रश्न को कर सकते हैं। तो चलिए, थोड़ा टॉपिक लंबा है, इसको दो या तीन पार्ट में डिवाइड करके अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा अंग बनाया है। तो मैं पहले आउटलेट बता दूं कि ये एक्चुअली है क्या, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये माउथ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, उसके बाद क्या होता है, माउथ में जैसे ही कोई भी सब्सटेंस डालते हैं वहां पे एक स्लाइवा एक होता है, स्लाइवरी ग्लैंड द्वारा छोड़ा जाता है स्लाइवा। तकरीबन एक दिन में 1 से 1.5 लीटर स्लाइवा छोड़ा जाता है माउथ में, जो यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं उससे स्लाइवा छोड़ा जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे लुगदी का काम करता है। यहाँ देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे अंग आते हैं। पहले तो यहाँ पे आपको टंग भी आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और उसके बाद ये टंग के बाद उसके बाद टंग में टीथ भी आते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे माउथ है, माउथ में टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद इसोफेगस होते हुए, मैंने यहाँ पे सभी का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ पाए और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी समझ पाए। तो देखिए, इसोफेगस से होते हुए जो लुगदी बनता है यहाँ पे माउथ में, जो टीथ के द्वारा लुगदी बनाया जाता है, उसमें सलाइवा मिक्स होकर, आहार नाल के थ्रू ये स्टोमिक में आता है। स्टोमिक में आने के बाद स्टोमिक में बहुत सारे चीज यहाँ पे मिलते हैं, जैसे यहाँ पे पैनक्रियाज है और यहाँ पे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ये सब मिलके कुछ एंजाइम सेक्रेट करते हैं और स्टोमिक में अपना एंजाइम सेक्रेट करके डालते हैं ताकि वो जो लुगदी यहाँ से मिलके आई उसको और भी डाइजेस्ट किया जाए। उसके बाद डाइजेशन करने के बाद ये पैनक्रियाज भी कुछ यहाँ पे अपना लिक्विड छोड़ती है। मैं इंडिविजुअल हर चीज को बताऊंगा, पहले मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ कि कैसे लास्ट तक जाता है, मैं हर चीज को एक एक करके समझाऊंगा। तो उसके बाद पैनक्रियाज यहाँ पे होता है, उसके नीचे स्टोमिक के नीचे, और पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय है, वो भी अपना एक रस स्रावित करती है इस नली में और उसको डाइजेशन में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद जब ये डाइजेशन स्टोमिक में हो जाता है, उसके बाद ये छोटी आंत में आती है, ठीक है। छोटी आंत से कनेक्टेड होती है, यहाँ से फिर इसमें जब एसिमिलेशन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, छोटी आंत में जितने भी भोज पदार्थ में जो प्रोटीन विटामिन जो भी होते हैं इसमें अवशोषण होते हैं, छोटी आंत में अवशोषण होते हैं, उसके बाद ये छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है। बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत के बाद ये एनस के होते हुए, ये बाहर निकल जाती है, तो ठीक है। तो ये थी आपका आउटर लाइन, ठीक है। इसके बाद अब अपन इंडिविजुअल पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें प्रोसेस कैसे होता है एक बार और उसको देख लें। पहले सॉरी, पहले इंजेशन होता है, ठीक है, पहले इंजेशन होता है। इंजेशन में क्या होता है कि ये जो फूड लेते हैं उसको अपने अंदर डालना, ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं, ठीक है। फूड को अपने अंदर में डालना उसको कहते हैं इंजेशन, यानी कि अंदर डालना, इसको अंदर डालना हो गया, अंदर डालना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें स्टोमिक में जाते हुए, मतलब यहां तक जाते जाते लास्ट तक ये इसमें डाइजेशन होता है, यानी कि उसका पाचन होता है, पाचन, ठीक है। अंदर गया, उसके बाद उसका पाचन हुआ, उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि शोषण होता है, अवशोषण उसको कह सकते हैं, अवशोषण, ठीक है, अवशोषण, अवशोषण होता है। जो भी पचाया गया पदार्थ है, जैसे प्रोटीन हुआ, ये सब हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वो जो पच गया, जो बना, उसका अवशोषण होगा, तो ये अवशोषण हुआ। उसके बाद, जो अवशोषित हुआ, अब क्या है कि यहाँ पे भी सेल है हमारा, यहाँ पे भी सेल है, चीक पे भी सेल है, नोज पे भी सेल है, तो उसको भी जो बचा हुआ चीज है उसको यहाँ तक पहुंचेगा कैसे,
उसको एसिमिलेशन के द्वारा अवशोषण हो गया यानी स्वांगीकरण के द्वारा एक एक सेल में पहुंचाया जाता है, उसी को कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, जो पच गया उसको हर एक सेल तक पहुंचाना यानी कि स्वांगीकरण। ठीक है, उसके बाद डिफिशिएशन मतलब जो अब अवशिष्ट बचा, जो पच गया वो तो ठीक है यूज हो गया, अब जो नहीं बचा है मतलब कि जो बच गए हैं उसको डिफिशिएशन मतलब कि बाहर निकालना। ठीक है, ये समझ में आई। इसके पांच प्रोसेस होते हैं, कोई भी चीज आपने ग्रहण किया यानी कि खाया उसमें पांच प्रोसेस होते हैं। पहला अंदर डाला, पहला प्रोसेस। दूसरा उसका डाइजेशन हुआ वो पचा, दूसरा प्रोसेस। फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, तीसरा प्रोसेस हुआ एब्जॉर्प्शन। चौथा प्रोसेस कि वो जो बचा हुआ सब्सटेंस है वो हर जगह पे पहुंचे, उसका उस प्रोसेस के क्या कहते हैं स्वांगीकरण। और उसके बाद जो नहीं पचा है उसको बाहर निकालना है, उसको डिफिशिएशन। ठीक है, ये पांच प्रोसेस हैं। तो चलिए अब हम आते हैं कि हर एक चीज कैसे पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, डाइजेशन में कैसे पार्टिसिपेट होता है। पहला माउथ से हम स्टार्ट करते हैं, माउथ से लेके एनस तक हमको जाना है, तो पहले माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ में क्या होता है, पहले होता है डेंटल यानी कि दांत होता है। पहला स्टार्टिंग कहां से हुआ, दांत से हुआ। ठीक है, तो एक डेंटल फॉर्मूला होता है, ये भी इस पे भी प्रश्न पूछे गए एसएससी में कई बार और रेल में भी। ये डेंटल फॉर्मूला होते क्या है, एक्चुअली आप देखते होंगे, आप काउंट करते होंगे तो आपके कितने दांत हैं, 32 दांत हैं। तो वही 32 दांत कैसे कैसे हैं उसी को एक फॉर्मूला दिया गया, उसको क्या कहते हैं डेंटल दांत, जिसे कि डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। बच्चों में देखते होंगे 20 दांत होते हैं, हम लोग में एडल्ट में क्या होता है कि 32 दांत होते हैं। तो वो किस फॉर्मूला पे आते हैं उसी को डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। ये होता है 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3 ये डेंटल फॉर्मूला। एक्चुअली ये है क्या, ये आपको समझाता हूँ मैं। आप ये देख रहे हैं कि ये जबड़ा का नीचे पूरे दांत का एक फिगर है यहाँ पे। ठीक है, ये एडल्ट दांत का एक फिगर है, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ से सिमेट्री है। ठीक है, यहाँ से सिमेट्री है, जो दांत इधर है वही दांत इधर है। ठीक है, तो दो है, पहला है दो दांत होता है जो आपके सामने के जो दो दांत जो दिखते हैं। ठीक है, जो दो दांत यहाँ पे, चार दांत है टोटल, लेकिन सिमेट्री के कारण इधर वाला पार्ट ही देखेंगे, इधर वाला उसका मिरर इमेज होगा, जो दांत इधर होता है उधर वो भी सेम होता है। तो ये सिमेट्री के कारण ये दो दांत है, उसको इंसीजन कहते हैं। ठीक है, ये इंसीजन, ये दो दांत आपके इंसीजन होंगे। ठीक है, ये दो दांत टोटल कितने इंसीजन होंगे, चार दांत होंगे, दो दांत इंसीजन होंगे, ये दो दांत। उसके बाद क्या है, कैनियस, CANINES, कैनियस। ठीक है, कैनियस टीथ। कैनियस टीथ क्या है कि जो ये चीरने के काम में आता है, चीरने फाड़ने के। जैसे कि आपने जंगली जानवर को देखा होगा, शेर देखा होगा, चीता देखा होगा, उसमें दो दांत लंबे लंबे देखे हुए उनके निकले हुए थे होते हैं। ठीक है, उसको कैनियस कहते हैं। कैनियस किससे बना है, कैर्निवोरस से। ठीक है, कैर्निवोरस जो मांस खाते हैं, आपने अगर मूवी देखा होगा तो मूवी में चुड़ैल वगैरह होते हैं, उनके दो दांत निकले होते हैं क्योंकि वो मांस खाते हैं। ठीक है, तो ये कैनियस होते हैं, ये एक यहाँ पे होता है, ये कैनियस होता है। ठीक है, तो एक कैनियस इधर होता है, एक कैनियस इधर होता है, तो हम तो इधर का पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद होता है प्रीमोलर, ये जो दो दांत होते हैं ये प्रीमोलर होते हैं, जो मोलर मतलब जो जबड़ा होता है, जो तीन दांत उसके बाद होते हैं वो मोलर होते हैं। तो मोलर के पहले मतलब प्रीमोलर। ठीक है, मोलर के पहले प्रीमोलर। तो मोलर का क्या काम होता है कि जो चबाते हैं वो तीन दांतों का सेट होता है, एक तरफ तीन दांतों का सेट होता है, फिर एक तरफ तीन दांतों का सेट होता है, यानी कि छह दांत होते हैं टोटल, मोलर नीचे वाले में और ऊपर वाले में भी छह दांत। तो ये देखिए टोटल कितने दांत हो गए, एक सिमेट्री में देखते हैं तो 2 1 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 हो गए, और इधर 8 हो गए, इस साइड में 8 हो गए, तो इस साइड में भी 8 हो जाएंगे, यानी कि 8 + 8 यानी कि 16 दांत आपके टोटल हो गए नीचे वाले में, और टोटल ऊपर वाले में भी 16, तो 32। तो ये डेल्ट में कितने हो गए, 32। और ये जो चाइल्ड होते हैं उसके जो डेंटल फॉर्मूला आप लिखें तो उसके डेंटल फॉर्मूला होते हैं 2 1 2। ठीक है, 2 1 2 यानी कि जो 3 है वो इसमें नहीं होता है, जो बच्चे में होते हैं उसके 3 जो मोलर होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो 2 1 2 का जो सेट है ये कितने होंगे, 2 1 3 4 5 यानी 5 इधर 5 उधर यानी कि 10 10 और 10 ऊपर यानी 20
20 दांतों का सेट होता है बच्चों में, वो क्या होता है कि वो एक बार आते हैं उसके बाद झड़ जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आते हैं, और जब दोबारा आ जाते हैं उसके बाद वो 32 हो जाते हैं, 32 आ जाते हैं, उसके बाद 32 के बाद दोबारा वो नहीं आते। एक बार 32 के बाद गिर गया, कोई भी एक दांत गिरा तो वो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन जो 20 दांत शुरू के आते हैं वो एक बार गिरने के बाद आपको दोबारा मौका देते हैं कि चलो ठीक है एक बार गिर गया एक मौका और देते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं 20 दांतों का सेट होता है जो बच्चों में वो दोबारा आते हैं। ठीक है, ये तो हो गई डेंटल की बात, दांत से चबाते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हुआ। अब क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में टंग भी आता है, यानी कि जीभ आता है। जीभ में क्या है कि आप कुछ भी खाते हैं तो उसको ढकेलने में अंदर मदद करता है, प्लस उसमें जो सेंस होता है कि क्या है खट्टा है मीठा है क्या है, उसको सेंस करता है क्या, जीभ करता है। तो जीभ में कितने पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि कितने पार्ट होते हैं, पहले तो टेस्ट करने के कितने पार्ट होते हैं, टोटल 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जो जीभ का अंदर का पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है अंदर वाला पार्ट जो यहाँ पे होता है अंदर, तो उसको वो क्या कहता है, बिटरनेस टेस्ट करता है। बिटरनेस मतलब कि कड़वाहट। ठीक है, आप अगर खीरा खाते हैं तो अंदर जाता है। ठीक है, तो जब तक ये यहाँ तक नहीं जाता वो आपको पता नहीं चलता कि कड़वाहट है कि नहीं खीरा में। अगर वो कड़वाहट खीरा है तो आप बीच में रखेंगे या इधर उधर कहीं रहेगा, जीप पर रहेगा, तो वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक उसको आप इनहेल नहीं करेंगे, निगलेंगे नहीं। ठीक है, उससे आगे आएंगे तो ये जो दो पार्ट है यहाँ जो सिमेट्री के कारण इधर और इधर का पार्ट, वहां पे आपको खट्टा पता चलेगा, सावर पता चलेगा, SOUR यानी कि खट्टा पता चलेगा, उससे आगे आएंगे। उसके बाद ये जो दोनों पार्ट है यहाँ पे आपको क्या बताएंगे पता चलाएगा, आपको साल्टी यानी कि नमकीन है कि नहीं, उसके बाद यहाँ पे इस पार्ट को से आपको पता चलेगा कि वो साल्टी है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आएगा जो टिप होता है, टिप जो जीभ का टिप होता है, वहां पे स्वीटनेस पता चलता है कि कोई भी चीज मीठा है कि नहीं। जैसे आपने आइसक्रीम खाया होगा तो पहले आप जीभ से उसको चाटते हैं, तो जीभ का सबसे पहले टिप लगाते हैं, तो टिप से ही आपको पता चलता है कि वो स्वीटनेस है कि नहीं उस आइसक्रीम में। ठीक है, तो ये थी टंग की पार्ट। टंग के बाद आते हैं आपको सलाइवरी ग्लैंड की बात। मुंह में ही है सलाइवरी ग्लैंड, तो मुंह से ही अभी स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो मुंह में एक पार्ट आता है सलाइवरी ग्लैंड, उस जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। ठीक है, तो सलाइवा लिक्विड फॉर्म में जाता है, उसमें क्या है 99% आपके वाटर होता है। ठीक है, और 1% क्या होता है, एंजाइम होता है, और एंजाइम कौन सा एंजाइम प्रमुख होता है, एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज को दूसरे शब्दों में हम टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, टाइलिन भी बोलते हैं। कितने बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एमाइलेज कहीं लिखा जाता है तो कहीं टाइलिन लिखा जाता है, तो कभी जो बच्चे एमाइलेज याद करके जाते हैं वो टाइलिन में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो जो टाइलिन याद करके जाते हैं वो एमाइलेज में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, एक दूसरे का नाम है। जो आप कहते हैं ना कि किसी का नाम होता है दाम, तो उसको बच्चे अपने मम्मी पापा उसको क्या कहते हैं, छोटू भी कह सकते हैं, इस तरीके से निक नेम होता है। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं एमाइलेज का निक नेम समझ लो कि टाइलिन है। ठीक है, तो टाइलिन में आपको ध्यान देने वाली बात है कि टाइलिन पी से स्टार्ट होता है, पी इसमें साइलेंट है, PTYLIN। ठीक है, ये टाइलिन है, 1% इंजाइम होता है। अच्छा, ये जो सलाइवा होता है वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, तो प्रमुख रूप से ये एसिडिक ही होता है, क्योंकि ये इसका जो पीएच वैल्यू होता है 5.75 से 7.05 तक वैरी करता है। तो 7 क्या है, 7 तो न्यूट्रल है, तो 0.5 यानी कि कभी कभी हो सकता है कि ये जो सलाइवा होता होगा वो बेसिक होता होगा, नहीं तो ज़्यादातर एसिडिक ही होते हैं। ठीक है, तो आप इसको रेंज याद कर सकते हैं ये पीएच का। अच्छा, ये जो सलाइवा है, सलाइवा के कारण जितने भी आप फूड लेते हैं उसका 30% डाइजेशन ये सलाइवा ही कर देता है। ठीक है, 30% यानी कि काफ़ी मायने रखता है, जितने भी यानी कि 100 किलो अगर चीज़ डाइजेशन करना है उसमें 30 किलो ये खुद कर देता है अकेले मिलके, ये मुँह में ही हो जाता है। कैसे, दांत चबाता है उसमें सलाइवा मिलता है, सलाइवा मिलके उसको कुछ भी सिंपल कंपाउंड में तोड़ता होगा तो उससे डाइजेशन होता है, तो 30% यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बाद अगले लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो आप बोर फील करेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि आपको बोर भी ना हो और चीज़ें समझ में भी आए। तो सलाइवरी ग्लैंड के बाद से हम आगे स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक वेट कीजिए, तब तक धन्यवाद।